जौनपुर की राजनीति में फिर से वो लौट आया। समर्थकों के जज्बात को मिल गई राहत, किस लिए अब बनेंगे आफत। जौनपुर सीट पर अब बड़ा वाला होगा खेल, धनंजय के बाहर आने से बदलेगा समीकरण। धनंजय के विरोधियों के उड़े होश, अपनों का तो जरूर मोराल हुआ होगा हाई। इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगना। जो सोचा नहीं गया था अब वही हो गया। प्लान तो पूरा फिक्स था, लेकिन उसी दौरान कोर्ट का फैसला आ गया। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को जहां जाना था वो वहां गए नहीं, वापस जौनपुर लौट आए। ये क्यों हुआ, इससे जौनपुर की राजनीति कितनी बदलेगी, इस रिपोर्ट में आपको पूरी बात बताएंगे। दरअसल बाहुबली नेता धनंजय सिंह को जमानत मिलने के साथ ही जौनपुर लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। माना जा रहा है कि जौनपुर की जेल में रहते हुए भी उनका इस चुनाव पर पूरा होल्ड था, और इसी होल्ड को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें जौनपुर से हटाने और अति सुरक्षित बरेली जेल में शिफ्ट करने की योजना बनाई। इस योजना के तहत 27 अप्रैल की सुबह उन्हें जौनपुर से बरेली स्थानांतरित भी कर दिया गया, लेकिन अभी बरेली की जेल में उनकी आमद भी नहीं हुई कि हाईकोर्ट का फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भले ही धनंजय सिंह की सजा रद्द करने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें जमानत दी थी। इधर धनंजय सिंह की जमानत मिलने की खबर से ही जौनपुर की हवा बदल गई, खासतौर पर उनके समर्थक जो अभी तक थोड़े मायूस थे, उनकी खुशी देखने लायक है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भी काफी राहत की सांस ले रही है। बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी श्रीकला रेड्डी, अब तक वो अकेले दम पर चुनाव समीकरणों को साधने में जुटी थी, लेकिन पूरे लोकसभा क्षेत्र की गुणा गणित सेट करने में उन्हें काफी मुश्किलें आ रही थी। अब धनंजय सिंह के बाहर की खबर से उन्हें ये सारी मुश्किलें आसान नजर आने लगी। 7 साल की सजा काट रहे बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने काफी समय पहले ही हाईकोर्ट में अपनी सजा को चैलेंज किया था। इसी के साथ उन्होंने कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति भी मांगी थी। बीते गुरुवार को कोर्ट ने उनकी अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 27 अप्रैल की दोपहर फैसला सुना दिया। इसमें कोर्ट ने उनकी सजा कम करने से इनकार कर दिया। इससे ये तो साफ हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, साथ ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। इससे ये भी साफ हो गया कि जमानत पर बाहर आने के बाद वो अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी के लिए प्रचार कर सकेंगे। धनंजय सिंह की पहल पर ही बसपा ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसे में बसपा का कार्डर वोट तो उन्हें मिलेगा ही, धनंजय सिंह का खुद का इस जिले में खासा प्रभाव है। खासतौर पर जौनपुर का ठाकुर वोट शुरू से ही उनके पक्ष में रहा है। इसी प्रकार बड़ी संख्या में यादव और अन्य जातियों के वोट भी उन्हें मिलते रहे। इसी प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष रहते श्रीकला रेड्डी ने भी जिले में अच्छी पहचान बनाई। हालांकि धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद उनका यह वोट बैंक दरकने लगा था। यहां तक कि धनंजय सिंह का कोर वोटर भी दूसरी पार्टियों की ओर रुख करने लगा था। सूत्रों के मुताबिक धनंजय सिंह इस वोट बैंक को साधने के लिए अपने समर्थकों के जरिए जेल से कई बार लोगों को संदेश भेज रहे थे। उधर धनंजय सिंह के प्रभाव को कम करने की रणनीति के तहत बीजेपी और सपा ने भी दमदार उम्मीदवार उतारे। इन दोनों पार्टियों की ओर से लगातार धनंजय सिंह के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई गई। आरोप लगाया गया कि वो जेल में बैठकर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसी के चलते सरकार ने उन्हें बरेली जेल स्थानांतरित करने का फैसला भी किया। अब धनंजय सिंह को जमानत मिलने के साथ ही उन्हें रणनीति बनाने और अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी के पक्ष में माहौल बनाने की खुली आजादी मिल गई। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह का जन्म जौनपुर के रारी गांव के एक राजपूत परिवार में 16 जुलाई 1975 को हुआ। उन्होंने 3 शादियां की। पहली पत्नी मीनू ने शादी के 9 महीने के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया था। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह है, वो तलाक लेकर अलग रह रही है। वहीं तीसरी पत्नी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी है, वो फिलहाल लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। धनंजय सिंह पहली बार साल 2002 में रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो मल्हनी से साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुने गए। 2009 में उन्होंने बसपा ज्वाइन कर लिया और फिर बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते।